हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको इस मॉप वाले पोछे को डिटर्जेंट पाउडर से और बेकिंग सोडा से हम आपको इसे साफ़ करना बताएंगे। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। क्या क्या सामान लेना है इसमें, मॉप वाला पोछा भी, तो जिसके लिए हम इसमें करीबन 2 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे। 2-1 चम्मच के बराबर बेकिंग सोडा में जो मतलब कि इससे जो कीटाणु होते हैं, मैल वगैरह होता है, इससे लड़ने की बहुत ज़्यादा ताकत होती है, इसलिए बेकिंग सोडा का यूज़ करें आप इसमें। और जितना 4-5 डब्बे पानी डाल के और इसको हम करीबन 2-3-4-5 घंटे जितना हो सके इसको फुला के छोड़ दीजिए। जितना भी इसके अंदर डस्ट मैल जो भी है वो फूल जाएगा अच्छे से, फिर हम ब्रश लगा के इसको अच्छे से इजीली साफ़ कर पाएंगे। तो हम इसे करीबन 3-4 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए अभी 3-4 घंटे पूरे हो चुके हैं और अभी हम देख लेते हैं इसको कि क्या कंडीशन। तो देखिए अब निकाल के देखते हैं, तो इसको सबसे पहले हम अलग कर लेंगे। ये इजीली अलग निकल जाता है और लग भी जाता है, मैं निकालना और लगाना दोनों बताऊंगी। तो देखिए इजीली निकल गया है ये। अब ये जब ये मुझे इसे जो मैं पिछली बार लॉकडाउन लगा था 2020 में, तब मैंने इसको मंगवाया था, तो इसे 2 साल हो जाएंगे। तो ये मैं इसे निकाल निकाल के साफ़ करती रहती हूँ, तो मेरा इतना गंदा नहीं है, लेकिन जो लोग इसे नहीं करते हैं उनका बहुत गंदा होगा ये, इसीलिए इसको निकाल निकाल के साफ़ करते रहना चाहिए। अब इसको आप देख सकती हैं, इसका जो मैल था वो अच्छे से फूल चुका है। अब मैं आपको इसमें ब्रश लगा के दिखाऊंगी। भले कितना भी पुराना आपका ये मॉप हो, कितना भी गंदा हो, आप इस तरीके से इसको रखिए और जो आपका ये बेकिंग सोडा और सर्फ का पानी है इसी को निकाल के रखिए। आप देख सकती हैं कि जो हमारी गंदगी है वो अलग ही निकल रही है। आप देख सकती हैं इसे अच्छे से कि जैसे ही मैं ब्रश लगा रही हूँ तो ईजीली ये निकल रही है गंदगी। तो इस तरीके से अगर आप इसे हफ्ते में या महीने में साफ़ करेंगी तो आपका मॉप वाला पोछा कभी भी ख़राब नहीं होगा, ये ऐसे ही साफ़ रहेगा। और ये अब मुझे ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही है, क्योंकि मैंने इसे पहले ही 2-3 घंटे के लिए फुला दिया था, तो इसका जो मैल है वो ईजीली फूल चुका है, तो ये जल्दी से निकल गया है। ये देखिए मैं पानी से धो रही हूँ, एकदम साफ़ हो गया है ये। देखिए पहले जब मैंने आपको फर्स्ट में दिखाया था तो ये कितना गंदा था, लेकिन अभी ये एकदम साफ़ और क्लीन हो चुका है। और इसको सूखने के बाद तो एकदम ये वाइट दिखेगा। अब ये गीला है तो आपको हल्का सा ये ऑफ वाइट दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये सूखेगा तो ये एकदम क्लीन हो जाएगा। तो जो इसकी बास्केट है इसको भी हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। कोई भी आप सॉफ्ट सा ब्रश ले लीजिए, या फिर कोई भी अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आप जो हमारे कैरी बैग आते हैं, पिन्नी बोलते हैं जिनको, 2-4 वो ले लीजिए, उनसे भी आप इसको साफ़ कर सकती हैं। तो इस तरीके से ये मैं टंकी वगैरह साफ़ करती हूँ इनसे, नल वगैरह, सिंक वगैरह। तो ये मेरा वो वाला जूना है, सॉफ्ट वाला आता है जो, तो मैं इसी का इसमें यूज़ कर रही हूँ। तो अंदर जो इसका अंदर जहाँ से पानी को हम प्रेस करते हैं वहाँ से ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो वहाँ से अच्छे से हमें साफ़ करना है इसे। और आपको इस पानी को ऐसे ही वेस्ट नहीं जाने देना है, इसी से इसको पूरा हम क्लीन करेंगे। तो यहाँ से अच्छे से पूरा क्लीन करके हम इसे और साफ़ करेंगे। ये देखिए फिर इसके जो किनारे हैं उनको भी साफ़ करेंगे, और जहाँ जहाँ से ये भी हमें गंदा दिख रहा है, तो ऐसे ही आप कितना भी पुराना गंदा पोछा हो उसको ऐसे ही साफ़ कर लीजिए। भले ही चलो ये तो मॉप वाला है, जो डंडे वाले पोछे होते हैं जिनमें मॉप मतलब ऐसे पानी प्रेस करने का नहीं होता, उनको भी आप ऐसे ही 2-3 घंटे के लिए पानी और बेकिंग सोडा में फुला के छोड़ दीजिए। और सोडा आपके पास जो भी हो वो ले लीजिए, और हो सके तो आप नींबू का भी इसमें यूज़ कर सकती हैं, मतलब एक नींबू मिला के भी आप उसको इसमें छोड़ सकती हैं फुला के। और ये सबसे मतलब अच्छा तरीका है इसे साफ़ करने का, जहाँ से हम पानी को प्रेस करते हैं वहाँ से भी इसको अच्छे से जाली को साफ़ कर लेंगे। ये देखिए पूरा इसका हैंडल उठा के, ताकि कहीं पे भी इसमें कोई भी डस्ट गंदगी ना रहे, अच्छे से पीछे से आगे से इसे क्लीन करेंगे। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो वो चीज़ एकदम साफ़ और अच्छी दिखनी चाहिए। जब हम इसे डेली यूज़ करते हैं पोछा के लिए, तो ये सारी चीज़ें अच्छी और साफ़ दिखनी चाहिए। तो मैं तो वैसे जल्दी जल्दी कह करती रहती हूँ, मेरा आपको इतना गंदा नहीं दिख रहा है, लेकिन आप भी ऐसे ही कर सकती हैं, जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपका जो पोछा है वो हमेशा साफ़ और फ्रेश रहेगा। और पोछा भी एकदम मतलब इतना साफ़ लगता है ना, जब हमारा मॉप साफ़ होता है ना, तो पोछा
फिर आपको ज़्यादा बार बार इसे निचोड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। एक रूम में और मतलब आपकी गैलरी वगैरह है, आधे एक ही बार के निचोड़ने से हमारा अच्छे से साफ़ होता है। तो जहाँ से थोड़ा बहुत और अंदर रह गया है उसमें आपको मैल दिख रहा है, उसको भी मैं अच्छे से और क्लीन कर लूँगी। जैसे ये थोड़े जिद्दी दाग हैं, इससे मैं और अच्छे से ब्रश, इसमें अभी सरप और डिटर्जेंट पाउडर लगा हुआ है, सॉरी वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ बेकिंग सोडा और सरप इसके अंदर लगा हुआ है, तो मैं इसी से इसको साफ़ कर लूँगी अच्छे से, इतना भी होगा ये। लेकिन सबसे जो मेन चीज़ होती है वो होता है आपका मॉप, जिससे आप पोछा लगाते हो। अगर वो साफ़ नहीं है तो आपके, जैसे आपका वाइट फ्लोर है, वाइट फर्श है आपका, तो वो एकदम गंदा दिखेगा अगर गंदे से लगाओगे। अभी देखिए हम इसको ऐसे टेढ़ा कर लेंगे कि इजीली हो जाता है, इसमें हैंडल होता है जिससे हम इसे सीधा टेढ़ा कर सकते हैं। अब इसको ऐसे रख लेना है और देखिए जो आपको ये लाइनें दिख रही हैं, बस ऐसे इनको अंदर प्रेस कर देना है इस तरीके से, और तो मतलब इजीली ये लग जाता है। तो मुझे इसे यूज़ करते करते पूरे 2 साल हो जाएंगे अभी एक महीने बाद, तो आप देख सकती हैं कि मैंने इसको अभी भी नया बिल्कुल बना के रखा है। अगर हम किसी चीज़ को अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं तो हमारी चीज़ें लंबे लॉन्ग टाइम तक चलती हैं। अब इसका, इसमें थोड़ा सा पानी है, उसको मैं अच्छे से निचोड़ लूँगी, ये हैंडल खोलते हैं। अगर जिन लोगों को मॉप यूज़ करना नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको इसे यूज़ करना भी सिखा दूँगी। तो यहाँ से देखिए अच्छे से जितना भी इसके अंदर अब पानी है मैं हल्का से ड्राई कर लूँगी। तो ड्राई करने के बाद इसमें से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि पहले कितना गंदा था और अभी ये कितना क्लीन है। तो ये देखिए अभी ये हमारा कितना क्लीन हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।